अक्षय कुमार अब भारतीय नागरिक बन गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं। उन्होंने डॉक्यूमेंट की तस्वीर शेयर करके फैंस को ये खुशखबरी दे दी है। अक्षय के पास पहले कनाडा की नागरिकता थी, जिसकी वजह से उन्हें कई बार आलोचना का सामना करना पड़ता था। अक्षय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फैंस को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। साथ ही फैंस को बता दिया कि वह भारतीय नागरिक बन गए हैं। अक्षय ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, दिल और सिटीजनशिप दोनों हिंदुस्तानी, स्वतंत्रता दिवस की बधाई, जय हिंद। अक्षय कुमार के पोस्ट पर फैंस ढेर सारे कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, सर आपने हेटर्स के मुंह पर तमाशा मार दिया, स्वतंत्रता दिवस की बधाई। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, आखिरकार आ गया इंडियन सिटीजनशिप का बुलावा, हेटर्स अब किस टॉपिक को लेकर ट्रोल करोगे। एक यूजर ने लिखा, सबकी बोलती बंद हो गई अब। अक्षय कुमार ने 2019 में एक इवेंट में बताया था कि वह जल्द ही इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे और अब उनके पास इंडियन पासपोर्ट आ गया और वह भारतीय नागरिक बन गए हैं। वर्क फ्रेंड की बात करें तो अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। ये फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज हुई। OMG 2 में अक्षय के साथ यामिनी गौतम और पंकज त्रिपाठी लीड रोल में नजर आए हैं। ये फिल्म एक सेंसिटिव मुद्दे पर बनी है, जिसे बखूबी दिखाया गया है। OMG 2 की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 से हुई है। OMG के बाद अक्षय जल्द ही सोराई पोटू के हिंदी रीमेक में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 1 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में अक्षय के साथ राधिका मदान और परेश रावल लीड रोल में नजर आएंगे।